मेरठ विजिलेंस की टीम ने डॉक्टर व अकाउंटेंट को 92,450 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। डॉक्टर व अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर विजिलेंस की टीम देहात कोतवाली थाने में ले गई। थाना देहात कोतवाली के वारंका सीएससी का मामला। एसपी विजिलेंस मेरठ ने बताया कि सीएचसी प्रभारी अकाउंटेंट के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसे लेकर आज छापेमारी की गई, जिसमें 92,450 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इसके साथ ही ऑफिस से 21,16,830 रुपए भी बरामद हुए। ब्लॉक अकाउंटेंट श्री संदीप शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मौके से रिश्वत की अमाउंट 92,450 रुपए बरामद हुए। इसके अतिरिक्त एक अन्य बैग में लगभग 21,16,830 रुपए और भी बरामद हुए हैं, जिनको सील मोहर करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैम, कितने शिकायतकर्ता थे जिन लोगों ने शिकायत की? 20 से अधिक शिकायतकर्ता हैं। शिकायत प्रार्थना पत्र तो वो एक ही व्यक्ति के द्वारा है, पर जिनके जिनके पैसे हैं उन सभी लोग लगभग 20 लोग हैं। मैम, ये जो जिनसे रिश्वत दी जाती थी वो लोग कौन है? जिन लोगों से रिश्वत की मांग कर रहे थे वो लोग कौन है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है जो आरोग्य मंदिर पर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर नियुक्त है। जो 21 लाख बरामद हुए वो कहां से हुए? वो उन्हीं के जो है, जहां पर वो पैसे का लेन देन, उन्होंने रिश्वत के पैसे का लेन देन किया, जो कि उनका ऑफिशियल क्वार्टर है हॉस्पिटल सीएचसी परिसर में ही, वहीं से बरामद हुए। ठीक है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।